हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जेई सिविल का एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने लिए हैं 40 क्वेश्चंस। ये हम सब्जेक्ट वाइज आपके लिए करवा रहे हैं। यहाँ पे हम आज जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ये हमारे पास आज टॉपिक है। इसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन जेई के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको पता ही है असम का एग्ज़ाम जो है जेई का वो होने वाला है। तो जब भी एग्ज़ाम है आपको पता ही है डेट कौन सी है। तो वीडियो को जो असम का पेपर देना चाहता है वो उनको शेयर कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग जनरली डू नॉट एक्सीड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लास्टरिंग की थिकनेस जो होती है मिनिमम कितनी होती है? तो 20 mm, 25 mm, 50 या 60 mm, कौन सी होती है? प्लास्टरिंग के लिए आपको पता ही है सीमेंट मोर्टार का जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:3 या फिर 1:4 तक हो सकता है। रेशियो इसके लिए ये होता है। तो यूजली जो रेकमेंडेड की जाती है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग के लिए वो 12 mm होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि डू नॉट एक्सीड, उस वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। रेकमेंडेड तो 12 mm की गई कि मिनिमम जो प्लास्टरिंग की थिकनेस होती है, यानी कि कितना मोटा हमें प्लास्टर करना होता है, तो 12 mm होता है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि डू नॉट एक्सीड, कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तो वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं, यानी कि 21 नहीं, नहीं होनी चाहिए, 20, 22 नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 12269 डील्स विद। हमारे पास एक आइस कोड दिया गया है, ये कौन से ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से किससे रिलेट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन दिए गए, चौथा तो भूल जाइए, आपको पता ही है ऑर्डिनरी का ही कोड है। तो हमारे पास जो 33 ग्रेड होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो ये आता है 269 आइस कोड में। उसके बाद 33 ग्रेड होता है, ये आता है 8112 में आता है। तो लास्ट हमारे पास 53 ग्रेड बटा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर। विच टाइप ऑफ बॉक्स कंपाउंड विल कंट्रोल द सल्फेट अटैक? आपको पता है ये सारे जितने भी दिए गए हैं ये बॉक्स कंपाउंड हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन सा वो बॉक्स कंपाउंड है जो कि सल्फेट अटैक को रोकता है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो सल्फेट अटैक आपको रोकना है, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा रोकता है? ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट रोकता है। तो सल्फेट अटैक को ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट रोकता है। ये अगर सीमेंट में बहुत ही कम रहेगा तो सल्फेट अटैक को रोकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लेट, लेटराइट एंड कैलिनाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोन? कौन से टाइप के ये स्टोन है? आर्गिलिसिस रॉक है, कैलकेरिस रॉक है, सिलिसिस रॉक है या फिर इग्निसिस रॉक है? कौन से टाइप के ये रॉक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकेरिस में आपको पता ही है क्या आता है, इसमें आपको पता ही है लाइम स्टोन आता है, हमारा मार्मल आता है हमारे पास। उसके बाद नीचे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है सिलिसिस रॉक। सिलिसिस रॉक में हमारे पास क्या आता है? एक तो हमारे पास ग्रेनाइट आता है, दूसरा क्वार्टरजाइट आता है,
एंड इग्निस रॉक आपको पता ही है, इसमें भी ग्रेनाइट आता है, बासोल्ट एंड ट्रैप आएगा, एंड स्लेट लेटराइट एंड कोलिनाइट जो होता है ये आर्गिलिसिस रॉक में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी मेजरमेंट में बी यूज टू इस्टेब्लिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी जो होती है मेजरमेंट, वो मे बी यूज टू इस्टेब्लिश, किसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है। ए बी सी डी, किस कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी मेजरमेंट जो होती है वो इन सभी को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन इन ब्रिक मशीनरी आर, क्यों जो होता है ब्रिक मशीनरी में वो कौन सा होता है, कहाँ पर होता है। तो कौन जो होता है एक लार्ज, बहुत ही बड़ा रेक्ट एंगुलर टाइप का एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ मेसनरी हम बोल सकते हैं या फिर ब्रिक बोल सकते हैं, जिसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, कॉर्नर ऑफ द वॉल पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये लार्ज रेक्टेंगुलर टाइप का एक ब्रिक होती है जिसको हम कॉर्नर ऑफ ब्रिक में यूज करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, रिंग शेक इन टिम्बर आर, रिंग शेप जो होती है टिम्बर में वो क्या होती है। रिंग शेप फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आंध्र प्रदेश सॉरी असम पब्लिक सर्विस कमीशन JEE का ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज चले हुए हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। तो रिंग शेक जो होती है टिम्बर में वो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन वुड बिटवीन द एनुअल रिंग, एनुअल बीच के एनुअल रिंग के बीच में सेपरेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल वुड का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी, वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन द डोर फ्रेम इज कॉल्ड, वर्टिकल मेंबर जो होता है डोर फ्रेम में वो कौन सा होता है। पोस्ट, हैंगिंग रील, हैंगिंग स्टाइल, सील या फिर रेल। सील आपको पता है ये बॉटम मोस्ट पार्ट होता है, वैसे ज़्यादातर हम डोर में सील तो प्रोवाइड करते नहीं हैं, कई कई जगह हम सील प्रोवाइड करते हैं लेकिन कई जगह नहीं होता है। तो विंडो के लिए सील जो होता है वो बॉटम पोर्शन होता है, एंड जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो होती है पोस्ट, यानी कि ये खड़ा वाला वर्टिकल जो होता है दरवाजे का ये वाला पोस्ट होती है, ये सील होती है, ये हेड होता है। रेल आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोक रेल भी बोल सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर स्लैकिंग टर्म इज यूज्ड वन ऑफ द फॉलोइंग्स, एयर स्लैकिंग की एक टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है। एयर स्लैकिंग जो होती है, यहाँ पे लाइम के बारे में ही दिया गया है, तो एयर स्लैकिंग जो होती है जिसमें लाइम जो होता है हार्डन हो जाता है, किसकी वजह से, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ड्यू टू ह्यूमिडिटी की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी जो होगी यानी कि आर्द्रता, कुछ कुछ वोट यानी कि पानी का जो थोड़ा बहुत होगा हवा में, उसकी वजह से हमारा लाइम जो है वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसको हम एयर स्लैकिंग टर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एलुमिना इन द लिमिट, एलुमिना कितने परसेंट का होता है ब्रिक अर्थ में। सिलिका आपको पता ही है 50 से लेकर 60% तक होता है, एलुमिना की बात हो रही है तो एलुमिना आपको पता है 20 से लेकर 30% तक एलुमिना होता है। एल्युमिना आपको प्लास्टिसिटी देता है, ताकि आप चाहें तो किसी भी शेप में ब्रिक को मोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास एल्युमिना ज़्यादा हो जाता है तो हमारी ब्रिक जो है वो श्रिंक एंड वार्प हो जाएगी, जब भी हम उसको सुखाएंगे या फिर उसको जलाएंगे, श्रिंक करने लगती है। ओके फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज रेकमेंडेड बाय BIS फॉर मॉडरेट एक्सपोज कंडीशन फॉर प्लेन कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉडरेट कंडीशन के लिए हमारे पास PCC दिया गया है, PCC। माइल्ड के लिए हम कोई भी ग्रेड यूज नहीं करते हैं, मॉडरेट के लिए हम 15M15 ग्रेड यूज करते हैं। अगर आपसे RCC के केसेस में पूछा जाता मॉडरेट के केसेस में, तो M20 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन PCC के केस में M15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट। फायर को कौन सा पेंट रिजिस्ट कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारे पास फायर रेजिस्टेंस पेंट होता है वो एस्बेस्टस पेंट होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 1600 डिग्री फेरस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच पोजिशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अगर हम स्टोन को किस डायरेक्शन में लगाएं जो प्रेशर की डायरेक्शन होती है, ताकि हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मजबूती मिल सके, परपेंडिकुलर पैरेलल में ओब्लिक में या फिर किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाएं, तो क्या आंसर रहेगा? फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट करना है जो लाइव चली हुई है उस पर, आपको कमेंट नहीं करना है, आपको सीधा कमेंट करना है कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। तो वो पैरेलल डायरेक्शन में हम करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, इन विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री बोथ यील्ड सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवुड कौन सी होती है? दियोदारा हमारा सॉफ्टवुड है, लेकिन शीशम जो है वो हार्डवुड है। चीड़ जो है ये सॉफ्टवुड है, लेकिन साल जो है हमारे पास हार्डवुड है। साल हार्डवुड है, लेकिन टीक जो है सॉफ्टवुड है। चीड़ एंड दियोदार, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक इज कैरिड आउट इन पुग मिल। पुग मिल में कौन सा स्टेप यूज किया जाता है जब आपको आप ब्रिक बनाते हैं? तो डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, टेम्परिंग, कौन सा आंसर रहेगा इसका ऑप्शन का? तो टेम्परिंग के लिए पुग मिल जो होती है वो यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ रोड मैकाडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो जब भी आप एग्रीगेट के ऊपर इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 लेयर में जो मटेरियल होता है उसको हम फिलअप करते हैं, 3 लेयर्स में। तो उसको आपको पता ही है, टेम्परिंग करनी होती है, यानी कि कम्पैक्शन करनी होती है, तो 25 नंबर ऑफ ब्लो जो होते हैं, ब्लो वो उस पर ईच लेयर पर जो होते हैं वो टेम्पर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हैम्बर का वेट जो होता है वो 13.5 से लेकर 14 kg का वेट होता है, एंड उसके बाद आप कितनी हाइट से फेंकते हैं, तो वो 38 सेंटीमीटर हाइट से फेंकते हैं। लेकिन जो स्पेसिमेंट जो होता है वो सब्जेक्टेड करता है कि 15 नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं, ब्लो जो होते हैं वो 15 नंबर्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर A1 हो जाएगा। 14 kg हैम्बर का वेट होता है, 38 सेंटीमीटर से हम इसको नीचे फेंकते हैं, इनके टेम्पर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, 15 ब्लो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेन परसेंटेज ऑफ माइका प्रेजेंट इन सैंड इन लार्ज। अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में माइका, जिसको हम अवरक बोलते हैं, अवरक वो प्रेजेंट है यानी कि मौजूद है, तो क्या होगा? रेत में
माइका प्रेजेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, मोर्टार की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ टू स्मॉलर एक्सटेंट, कुछ हद तक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। माइका प्रेजेंट है तो स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस होती है, ऑप्शन नंबर वन। अगला ऑप्शन देखिए, द स्कैफोल्डिंग इन विच टू रो ऑफ स्टैंडर्ड आर प्रोवाइडेड इज नाउन एज, टू रो जो होती है, कौन सी स्कैफोल्डिंग है जिसमें दो रो के स्टैंडर्ड की दो रो की प्रोवाइड की जाती है। ब्रिक लेयर की स्कैफोल्डिंग है, डबल स्कैफोल्डिंग, या फिर मैशन स्कैफोल्डिंग है। तो डबल स्कैफोल्डिंग और मैशन स्कैफोल्डिंग, इन दोनों में दो लेयर जो होती है वो स्टैंडर्ड की प्रोवाइड की जाती है। अगला ऑप्शन देखिए, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पोजोलैनिक सीमेंट एज कम्पेयर टू पोर्टनरी सीमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग रिमेन, क्या आंसर रहेगा, स्लो, फास्ट, रैंडम, या फिर नन ऑफ द एबव। वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और स्लो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, इन विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग द बेस कंक्रीट ऑफ लाइम और सीमेंट कंक्रीट ऑफ मिक्स 1:5:10 इज लेड ओवर वेल कंपैक्टेड सब ग्रेड, कौन सी फ्लोरिंग है जिसमें चाहे वो लाइम कंक्रीट का मिक्स हो चाहे सीमेंट कंक्रीट का मिक्स हो, जिसमें रेशियो ये होता है, लेड यानी कि बिछाया जाता है ओवर किसके ऊपर, वेल कंपैक्टेड सब बेस के ऊपर, कौन सी फ्लोरिंग है वो, तो वो है हमारे पास ट्रेजो फ्लोरिंग, ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम सीसी की बात कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, लाइम की नहीं बात कर रहे हैं, सीसी की बात कर रहे हैं, तो 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर थिक का एक लीन हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो रेशियो रहता है 1:3:6 से लेकर 1:5:10 हम यूज करते हैं कंपैक्टेड सब बेस के ऊपर, ये सीसी की बात हो रही है, लाइम की बात नहीं हो रही है। अगर हम लाइम सीमेंट की बात करते हैं, लाइम कंक्रीट की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 40% जो होता है मोटार हम यूज करते हैं किसके रेशियो का, 1:2 का, एंड 60% जो होता है वो कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्टर्स राइट, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है क्वार्टर्स इज क्या होती है, 2.85, 2.80, 2.72, या फिर 2.65, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है क्वार्टर्स की वो 2.65 होती है, 2.85 किसकी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये जो होती है वो होती है डोलोमाइट की, एंड 2.80 किसकी होती है, तो ये होती है एंडेसाइट की, एंडेसाइट की, एंड 2.72 जो होती है ये, वैसे 2.7 होती है, ये होती है क्वार्टरजाइट की, क्वार्टरजाइट की होती है, इस यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर्स पूछा गया था, क्वार्टरजाइट जो होता है इसकी 2.7 होती है, यहाँ पे 2.72 दिया गया है, तो ये सभी की मैंने आपको दिया, डोलोमाइट की कितनी होती है, एंडेसाइट की कितनी होती है, क्वार्टरजाइट की एंड क्वार्टर्स की कितनी होती है। अगला ऑप्शन देखिए, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर गिवन वाटर कंटेंट इज गुड, वर्कबिलिटी जो है जो हमें वाटर कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही अच्छी है, अगर हमारा एग्रीगेट आर कौन सी शेप का होगा, राउंड का, इरेगुलर का, एंगुलर का, फ्लैकी का, कौन सा होगा, तो आपको पता ही है मैक्सिमम वर्कबिलिटी कौन देता है, मैक्सिमम वर्कबिलिटी आपको राउंड शेप का एग्रीगेट देगा, मिनिमम कौन सी देगा, मिनिमम आपको एंगुलर देगा, एंगुलर जो होता है वो देता है एंगुलर, सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन। अगला क्वेश्चन देखिए,
द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज, सिंपल क्वेश्चन आइए, 100 mm³ की ज़्यादा होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू इसकी, इसकी लेस होती है 150 mm की, इसकी ज़्यादा होगी, मोर होगी। अगला ऑप्शन देखिए, द साइज ऑफ क्यूबिकल मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शैल बी। आपको पता ही है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसको चेक करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तो एक क्यूब यूज करते हैं। तो क्यूब जो होता है वो कॉन्क्रीट का एक क्यूब होता है, एक होता है सीमेंट का क्यूब, दोनों का साइज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो कंक्रीट के साइज की हम बात करें तो वो 150 mm का एक क्यूब होता है, यानी कि 150 × 150 × 150। एंड जो हमारे पास सीमेंट का क्यूब होता है वो 70.6 mm³ होता है। तो यहाँ पे सीमेंट के बारे में पूछा गया है, तो सीमेंट के लिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर कंक्रीट के लिए पूछा होता तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना था। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। फाइनेस मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, फाइनेस रेशियो जो होता है मॉडुलस, वो फाइन एग्रीगेट का या फिर कोर्स एग्रीगेट का रेशियो होता है, या फिर फाइन एग्रीगेट एंड टोटल एग्रीगेट का रेशियो होता है, या फिर इंडेक्स होता है जिसमें क्या होता है, गिव्स द मीन साइज ऑफ एग्रीगेट यूज टू इन द मिक्स, यानी कि हमें ये प्रॉपर साइज देता है। ऑप्शन नंबर सी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सीमेंट हैज हायर क्रोजन रेजिस्टेंस। आपको पता ही है ये हमारे पास जितने भी दिए गए हैं बॉक्स कंपाउंड दिए गए हैं सीमेंट के, किसमें सबसे ज्यादा क्रोजन से लड़ने की क्षमता होती है, कौन लड़ सकता है। तो हायर क्रोजन जो क्षमता होती है वो ट्रिकैल्शियम एल्यूमिनेट में ही होती है, किसकी वजह से, यह भी आपको पता होना चाहिए, सल्फेट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से। अगला देखिए, ड्यूरिंग स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम वॉल्यूम, आपको पता है ये लाइम मान के चलो कि उसमें हमें स्लैकिंग नहीं हुई है, तो वो 50 kg का था, स्लैकिंग होने के बाद उसका जो वेट होगा यानी कि वॉल्यूम होगी उसमें क्या बदलाव आएगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर वैसा ही रहेगा, या फिर कुछ नहीं रहेगा, क्या आंसर रहेगा। यानी कि स्लैकिंग, उसमें पानी हम डाल रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगी। अगला ऑप्शन देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे स्लंप कोन जो होता है उसका साइज पूछ रहा है, उसका साइज क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना जरूर है। सबसे पहले आपको हाइट पूछ रहा है, फिर बॉटम डायमीटर पूछ रहा है, सबसे पहले टॉप पूछ रहा है, टॉप कितना होता है, टॉप आपको पता है 10 सेंटीमीटर का होता है, हाइट आपको पता है 30 सेंटीमीटर की होती है, बॉटम 20 सेंटीमीटर का होता है, ऑल वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो 10, 30, 20, 10, 20, 30 ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा नहीं है तुक्का लगा के 10, 20, 30 ऐसे होता है, क्वेश्चन में आपने बुक में आपने ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन जो किस टाइप से पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन टिम्बर इज नॉट रिजल्ट ऑफ फंगल अटैक। फंगल अटैक आपको पता ही है ट्री पर लगता है, तो कौन सा वो नहीं है फंगल अटैक वो हमें बताना है। ड्राई रोट हमारे पास फंगल अटैक है, वाइट रोट भी फंगल अटैक है, ब्राउन रोट भी है फंगल अटैक है, लेकिन हमारे पास एक वेट रोट होता है, वेट रोट जो होता है वो फंगल अटैक नहीं है। बैट रोग जो होता है, रोट जो होता है,
ये मान के चलो कि जब हम टिम्बर को कभी बारी बारी से कभी मान के चलो कि उसको गीला कर रहे हैं, कभी हम उसको सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो उस वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम बैट रोट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक के अकॉर्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक व्हेन ए स्क्रैच इज मेड बाय फिंगर नेल। कोई भी इम्प्रेशन उसके ऊपर नहीं बचता है जब हम उसको अपनी फिंगर का जो नाखून होता है उससे उसको स्क्रैच करते हैं तो। सही बात है। ए मेटालिक और रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक आर स्टक अगेंस्ट ईच अदर। मान के चलो हम दो ब्रिक्स ले रहे हैं, उनको एक दूसरे आपस में टकराते हैं तो एक रिंगिंग की साउंड सुनाई देती है, मेटलिक साउंड सुनाई देती है। बिल्कुल सही बात है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है 25% नहीं होता है, 20% होता है। 25% जो होता है वो थर्ड क्लास ब्रिक का होता है। सो थर्ड हमारा गलत ऑप्शन है। एंड फोर्थ भी देख लेते हैं, दीज शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लॉन क्रैक एंड स्टोन। बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, एक्सेस ऑफ सिलिका एंड क्ले। सिलिका जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है क्ले में, तो क्या होगा? आपको बताइए, क्ले जो होती है हम ब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका परसेंटेज आपको पता है ब्रिक में 50 से लेकर 60% होता है ब्रिक में। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये ब्रिटल एंड बीक हो जाती है, ब्रिटल एंड बीक हो जाती है जब हम इसको सुखाते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग स्टोन फेल अंडर मेटामॉर्फिक कैटेगरी। सैंडस्टोन आपको पता ही है, सेडिमेंट्री रॉक है, ग्रेनाइट इग्नीशियस रॉक है, बासोल्ट भी इग्नीशियस रॉक है, लेकिन ये जो है मार्बल ये हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द विंडो प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग इज। स्लोपिंग रूफ जो होती है किसी बिल्डिंग की, वहाँ पर कौन सी विंडो हम लगाते हैं? डोरमेंट विंडो, वे विंडो, स्काईलाइट विंडो, ग्लेज्ड विंडो। तो वो होती है डोरमेंट विंडो। वन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि 40 में से आपने कितना स्कोर किया है। द बेस्ट सीजन ऑफ फेलिंग ऑफ टिम्बर फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया। आपको पता है आप टिम्बर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इनके बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट सीजन जो है वो पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में हम टिम्बर जो है उसकी उसको गिरा काट सकते हैं, समर में, विंटर में, मानसून में या फिर स्प्रिंग में। तो विंटर का जो सीजन होता है वो होता है प्लेन एरिया जो होते हैं उसके लिए, समर का जो सीजन होता है वो होता है हिली एरिया के लिए। दोनों पॉइंट याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर वन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई एशेज। फ्लाई एश का मेन जो घटक होता है वो कौन सा होता है? फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए, 40 में से कितना स्कोर किया। ऑल ऑफ द एबव, फोर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सारे ही फ्लाई ऐश के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज यूज एज ए व्हीकल इन इनेबल पेंट। इनेबल पेंट में कौन सा एक व्हीकल गाड़ी के रूप में उसको चलाने के रूप में काम करता है, इनके हमारा ब्रश जो है बहुत ही आसानी से चले उसके लिए हम व्हीकल जो होते हैं उनको ऐड करते हैं। इनेबल पेंट में कौन सा ऐड करते हैं? वो होता है वार्निश। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सैंड शो मैक्सिमम बल्किंग एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मैक्सिमम बल्किंग जो होती है वो किस सैंड में होती है? फाइन सैंड, मीडियम सैंड,
कोट सैंड या फिर किसी में भी नहीं। जितना ज़्यादा हमारा सैंड जो होगा बारीक होगा, महीन होगा, उसमें उतनी ज़्यादा बल्किंग होती है। ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ASCU ट्रीटमेंट किसके लिए यूज की जाती है? प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के लिए ASCU ट्रीटमेंट यूज की जाती है। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ASCU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेंथ? तो वो होती है वाटर सीमेंट रेशियो के, या फिर सीमेंट वाटर रेशियो के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का 40। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया। वीडियो को शेयर कर दीजिए। एयर इंट्रेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट, एयर इंट्रेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें क्या क्या होता है? चार स्टेटमेंट दी गई, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग सही है? फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इज नॉट सूटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीट के लिए यूज नहीं करते हैं। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको मास कंक्रीटिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। मास कंक्रीटिंग के लिए हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। आई थिंक आप सभी को मज़ा आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपने 40 में से कितना स्कोर किया है। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।